We discuss introduction to trigonometry, एक new chapter है। इससे पहले आपने इस chapter को आपने study नहीं किया हुआ है। ओके, बहुत ही interesting chapter है ये। अब देखो trigonometry क्या है, what is trigonometry? बेटे trigonometry mathematics की उस branch को बोलते हैं जिस branch में हम किसी भी ट्रेंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच रिलेशनशिप का स्टडी करते हैं, यानी रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। जब साइड्स और एंगल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं किसी भी ट्रेंगल का जिस ब्रांच में, मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को ही बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। बट हम यहाँ पर पूरा एक रिस्ट्रिक्शन है, हम केवल राइट ट्रेंगल के साइड्स और एंगल के बीच रिलेशनशिप के बारे में हम स्टडी करेंगे। कौन सा ट्रेंगल? राइट ट्रेंगल। मैं क्लास टेंथ में आपको केवल राइट ट्रेंगल के साइड्स और एंगल के बीच आपको रिलेशनशिप का स्टडी करनी है। तो लेट कर लेते हैं, ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है। ओके, लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रेंगल इन विच एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। जैसे डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी एक राइट ट्रेंगल है, जिसमें सी क्या 90 डिग्री, ये सी है आपका, ये 90 डिग्री है। सपोज को ये ए है और ये क्या है, बी है। ए बी सी क्या एक राइट ट्रेंगल है जिसमें एंगल सी क्या आपका 90 डिग्री है, और एंगल ए, ये जो एंगल ए है, एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ओके, एक्यूट एंगल समझते हो, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, एंगल ए और एंगल बी क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। ओके, लेस देन 90 डिग्री। हियर एंगल ए एंगल बी क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। ओके, आप जानते हैं बच्चे कि इस राइट ट्रायंगल में तो एंगल 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ओके ओके, इसमें से एक साइड को हम लोग बेस बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। ओके, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब हो सकता है, अब डिपेंड करता है किस एंगल को आप कंसिडर कर रहे हो। अगर एंगल ए को ले रहे हो तो एंगल ए के लिए ए वाली साइड जो ए सी, ए एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। और एंगल ए, ए के अपोजिट में जो साइड है तो क्या है, ये बी सी है। इस बी सी क्या बोलते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल ए के अपोजिट में जो भी साइड है इसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, अगर हम एंगल बी की बात करें, एक मिनट, अगर एंगल बी की बात करें तो उस केस में क्या होगा, अगर हम एंगल बी की बात करें, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए बी सी क्या है, बी सी आपका एडजेसेंट साइड है, तो इस केस में क्या होगा, इसे बेस हो जाएगा। एंगल बी के लिए बेस हो जाएगा कौन सा, बी सी। और एंगल बी के लिए इसके अपोजिट में कौन सा साइड है, ए सी है, ए सी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो डिपेंड करता है किस एंगल को आप कंसीडर कर रहे हो। ओके, कौन सा एक्यूट एंगल को कंसीडर कर रहे हो। अगर हम एंगल ए की बात करें तो इसके लिए ए सी बेस हो जाएगा और ये वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल बी की बात करें इसके लिए ए वाली साइड क्या है, बेस है, जो एडजेसेंट साइड है, जो
बगल वाला साइड है उसे क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड, वो बेस हो जाएगा, और जो अपोजिट में साइड है क्या हो जाएगा उसके लिए, इसके लिए क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके तो आते हैं हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए हम अगर बात करें फोर एंगल ए, फोर एंगल ए, ओके एंगल ए के लिए आपको ए सी क्या है बेटा, ए सी आपका एडजेसेंट साइड है, साइड लिखेंगे इसे क्या बोलेंगे लिखते हैं हम लोग, ए सी क्या है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और बी सी क्या बोलेंगे ये वाली साइड को, साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट में साइड है, इसे क्या बोलते हैं जो एडजेसेंट साइड है उसे क्या बोलते हैं बेस, यानी दैट इज इसे क्या बोलेंगे बेस बोलेंगे। ओके और इसके अपोजिट में यहाँ पर लिख रहा हूँ साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो जब भी एडजेसेंट साइड की बात करें तो वो एडजेसेंट साइड क्या होता है एक्चुअली बेस होता है। ओके यानी बेस हो गया, और यहाँ पे बेस क्या है एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड है कौन है ए सी है, ए सी हो गया, यानी एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं हम लोग बेस बोलते हैं, यानी एंगल ए के लिए बेस हो गया ए सी। फिर आइए अगर एंगल ए के अपोजिट साइड की बात करें, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है बी सी है, तो क्या लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है बी सी है, बी सी क्या है इसी क्या बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, दैट इज इसे लिखेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। ओके और जो ये तो आप जानते हो जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है उसे क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, 90 डिग्री के अपोजिट कौन सा साइड है ए बी है, ए बी क्या हो गया आपको हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, तो हम लोग बेस को हम शॉर्टकट में लिखते हैं बी लिखते हैं नोटेशन, बेस को क्या लिखेंगे शॉर्टकट में लिखते हैं बी, और परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं इसे लिखते हैं हम लोग पी, और जो हाइपोटेन्यूज है इसे क्या लिखते हैं हम लोग एच। ओके तब देखो बच्चे अगर हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं, ओके सपोज करते हैं ये ए है, ये सी है, और ये बी है, और एंगल ए कितना एंगल सी कितना है 90 डिग्री। ओके अगर हम एंगल ए की बात करें, इस एंगल की बात करें एंगल ए का, तो एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए एडजेसेंट साइड आपका ए सी है, तो ये क्या बेस हो गया, इसे क्या लिखेंगे बी, ये आपका बी हो गया, और एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड है बी सी है, तो बी सी क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया पी, क्या हो गया पी, और एंगल जो 90 डिग्री एंगल है इसके अपोजिट में कौन सा साइड है आपका ए बी है, ए बी क्या हो गया हाइपोटेन्यूज एच। ओके ए हो गया। अब इसी तरह से अगर हम एंगल बी की बात करें, एंगल बी का यहाँ वही हो जाएगा, एंगल बी के बगल में जो साइड है यहाँ लिख रहा हूँ फोर एंगल बी, तो क्या हो जाएगा फोर एक्यूट एंगल क्या है बी, फोर एंगल बी, एंगल बी के लिए देखो डायग्राम बना रहा हूँ,
ओके सपोज कर ये आपका सी है, ए है, ए बी है, एंगल सी क्या है 90 डिग्री है। अब हम एंगल बी की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए देखो बी सी क्या है, इसके एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड को बोलते हैं हम लोग बेस। तो एंगल बी के लिए बेस हो गया बच्चे, कौन हो गया बेस, ये बी हो गया, बी सी ये आपको बेस हो गया। और एंगल बी के अपोजिट में जो साइड है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। हमेशा किस एंगल के अपोजिट में जो भी साइड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ए सी यानी पी हो गया। ओके पी हो गया। और 90 डिग्री के जो अपोजिट में साइड है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज। तो एच लिखेंगे उसे, ये एच हो गया। तो एंगल बी के लिए हो गया, एंगल बी के लिए ए सी क्या है परपेंडिकुलर है, बी सी क्या है बेस है, और ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो डिपेंड करता है जब हम एंगल की ये करेंगे कि बेस कौन सा लें और परपेंडिकुलर कौन सा लें, डिपेंड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो इसके लिए इसके एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा और अपोजिट साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर एंगल बी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो एंगल बी के एडजेसेंट साइड बेस हो जाएगा और इसके अपोजिट में जो साइड होगी परपेंडिकुलर होगा। और हमेशा ही जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये फिक्स है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। बस बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, चेंज होते रहता है, डिपेंड करता है किस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। ओके अब आते हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो इसमें थ्री साइड है बच्चे, अब हम साइड का रेशियो की बात कर रहे हैं। जैसे सपोज करो अगर हमने लिखा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, लिख सकते हैं, यानी तीन साइड है तो इसमें किसी भी दो साइड का हम रेशियो लेंगे। तो या पी बाय एच परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या हो सकता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हो सकता है, कोई भी दो साइड लो उसका रेशियो निकालना है। फिर हो सकता है पी बाय बी हो सकता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस हो सकता है, या बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर हो सकता है, या हो सकता है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय पी हो सकता है, एच बाय पी हो सकता है, या एच बाय बी हो सकता है। ओके ये इतना पॉसिबिलिटी है, ये सिक्स पॉसिबिलिटी है। जब थ्री साइड आपको दिया हुआ राइट एंगल का, तो इस तीन साइड में किसी भी दो साइड का रेशियो इसी सिक्स में से कोई एक होगा बेटा। इसी रेशियो को बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। ओके यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपको राइट एंगल है, राइट एंगल में किसी भी दो साइड का रेशियो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसका कुछ नाम है, इसका कुछ मैंने क्या किया, नाम दे दिया गया है, उसी नाम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पी बाय एच है तो उसका क्या नाम है, बी बाय एच का नाम क्या है, पी बाय बी का क्या नाम है, बी बाय पी का क्या नाम है, एच बाय पी का क्या नाम है, और एच बाय बी का क्या नाम है, इसी नाम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग डिस्कस अब करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अभी बताया आपको कि जो राइट एंगल है उसमें आपको थ्री साइड में से किसी भी दो साइड का रेशियो मिलेंगे, उस रेशियो को ही बोलते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसके कुछ नाम है तो नाम के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वही मैंने डिफाइन किया क्या है कि रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल। यानी ये कह रहा है कि किसी भी एंगल के रिस्पेक्ट में, या तो कोई भी एक्यूट एंगल ले लेंगे, या एंगल ए ले लेंगे, अगर एंगल सी 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। एंगल ए या एंगल बी किसी भी एंगल
की रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, रेशियो फाइंड आउट करेंगे किसी भी दो साइड का। तो उसी के बारे में कर रहा है कि रेशियो ऑफ साइड्स, यानी किसी जो राइट एंगल है, राइट एंगल का किसी भी दो साइड का रेशियो किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। दो एक्यूट एंगल, किसी भी एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो साइड का रेशियो लेंगे। ओके, उसी रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, तो जो अभी हमने डिस्कस किया था वही है कि आपको, आपने क्या किया, मान लो एंगल ए के रिस्पेक्ट में ले लिया। एंगल ए के रिस्पेक्ट में ए आपका परपेंडिकुलर है एसी, और ए बी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। क्या है? ए बी क्या है आपको? हाइपोटेन्यूस है। मान लो स्मॉल एच लिख देते हैं। ओके, अब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, ये पी बाय एच। अब इसका हमने क्या इसका नाम रखा, ये क्या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है इसके एंगल ए के रिस्पेक्ट में। ओके, फिर एंगल ए के रिस्पेक्ट मान लो ए बी है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है, सॉरी एक एंगल बी है यहाँ पे, एंगल बी के रिस्पेक्ट में हमने बताया था। एंगल बी के रिस्पेक्ट में क्या बच्चे, एंगल बी के रिस्पेक्ट में ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, एंगल बी के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी एंगल हो तो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं हम लोग साइन ऑफ एंगल, जो एक्यूट एंगल ए ले लो या एंगल बी ले लो। तो क्या करेंगे, एंगल ए का इसका नाम रख दिया क्या, पी बाय एच को, साइन ऑफ एंगल ए या साइन ऑफ एंगल बी। तो एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे। तो वही देखो, वही लिख दिया। अब आते हैं हम लोग एक्यूट एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करें, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम देंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एक्यूट एंगल ए इन राइट एंगल ए बी सी आर डिफाइंड एज फॉलोज। ओके, आते हैं। जैसे सपोज करो पहला हम ले रहे हैं हम लोग पी डिवाइड बाय एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। एक दो साइड का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। इसका नाम है, इसका नाम रखा गया साइन ऑफ, चूंकि एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, यानी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी पी बाय एच का नाम रखा गया क्या, इसका नाम रखा गया साइन ऑफ एंगल ए। ओके, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं हम लोग, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग पी बाय एच है, तो साइन ऑफ एंगल ए को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग इस तरह से साइन ए। इसी को शॉर्टकट में लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए को साइन ए लिखते हैं। ओके, तो जहां भी पी बाय एच होगा तो वहां क्या लिखेंगे, साइन ए। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में रहेगा, ए एंगल ए के रिस्पेक्ट में रहेगा तो साइन ए लिखेंगे, अगर एंगल बी के रिस्पेक्ट में रहेगा तो वहाँ भी वही लिखेंगे, पी बाय एच इक्वल टू लिखेंगे साइन बी। ओके, तो बस वैसे ये हो जाएगा कि एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस तो वही रहेगा बट ए चेंज हो जाएगा। एंगल बी की बात करेंगे इसके लिए एक क्या होगा, ए सी क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो बस हम जब एंगल बी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या ए सी थे, हम ए सी लेंगे। तभी हम लोग एंगल ए को लेकर चलते हैं। ओके, तो क्या नाम रख दिया, तो पर पी बाय एच का क्या नाम रखा है, साइन ए, यानी कि एक ए आ गया अपने, यानी साइन ए इक्वल टू हो गया पी बाय एच। जहां भी पी बाय एच रहेगा तो हम क्या उसे लिखेंगे, साइन ए। दूसरा B बेस डिवाइड बाय एच, ए भी क्या है, दो साइड का रेशियो है, इसका नाम रखा गया कोसाइन ऑफ एंगल ए। इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग
पी बाय एच, लिखते हैं कॉस ए, ऐसे लिखते हैं कॉस ए। इस ये पूरा ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग सी ओ एस ए, कॉस ए। जहाँ भी बी बाय एच रहेगा तो हम क्या लिखेंगे उसे, कॉस ए लिखेंगे, यानी कॉस ए इक्वल टू हो गया बी बाय एच। ओके, थर्ड थर्ड आते हैं हम लोग परपेंडिकुलर और बेस, पी बाय बी का रेशियो, पी और बी का रेशियो। इस रेशियो का नाम रखा गया टेंजेंट ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ओके, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग पी बाय बी को, पी बाय बी को लिखते हैं हम लोग टेन, टी ए एन, टेन ए, ऐसे लिखते हैं। यानी कि टेन ए इक्वल टू हो गया पी बाय बी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। एक मिनट, थर्ड थर्ड एंड फोर्थ फोर्थ है आपको पी बाय बी था, अब उल्टा कर दो, बी बेस बाय पी परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। इसका नाम है कोटेंजेंट, क्या नाम है, को टेंजेंट, को टेंजेंट ऑफ एंगल ए। शॉर्ट इसे शॉर्टकट में लिखते हैं, यानी बी बाई पी को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग कॉट कॉट ए। ओके, यानी आप देखें कॉट ए इक्वल टू हो गया बी बाय पी। फिफ्थ, जिस स्टार्टिंग क्या लिया था हमने, पी बाय एच लिया था, इसको लिया था क्या साइन ए, अब इसको उल्टा कर दो, एच बाय पी कर दो, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, एच बाय पी। इसका नाम रखा गया, नहीं इसे ले लो पहले, एच बाय बी, एच बाय बी इसको बोलते हैं हम लोग सीकेंट, सीकेंट ऑफ एंगल ए। शॉर्टकट में लिखते हैं इसे, एच बाय बी को शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग सेक ए, यानी सेक ए इक्वल टू आ गया एच बाय बी। ओके, सिक्स्थ में ये लास्ट है, एच बाय पी हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय परपेंडिकुलर। इसका नाम रखा गया कोसेकेंट, को सेकेंट। को सेकेंट ऑफ एंगल ए, सो शॉर्टकट में लिखते हैं हम लोग एच बाय पी को, को सेकेंट को लिखते हैं हम लोग इसे कोसेक, को कोसेक ए, यानी कोसेक ए इक्वल हो गया एच बाय पी। ओके, इस तरह सिक्स ट्रिमेट्रिक रेशियो तीनों सभी का हमने नाम रख दिया है। ओके, 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 तो ये हमने क्या क्या नाम रखा है,
दो तीन बार ये करेंगे याद हो जाएगा ये सब। साइन ए यानी पी बाय एच, पी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हम लोग साइन ए, बेस बाय हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं हम लोग कॉस ए, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस को क्या बोलते हैं हम लोग टेन ए, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं हम लोग कॉट ए, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस को बोलते हैं हम लोग सेक ए, और हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय पी यानी एच बाय पी को बोलते हैं हम लोग कोसेक ए। ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो क्वेश्चन आप लोग करते करते याद हो जाएगा, सबका नाम आपको याद रखना है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम लोग।